तो हम बात करते हैं गट चार्ट्स की अपने डेटा में। तो गट चार्ट मतलब कि अगर आपको कोई दिखाना है, जैसे मान लीजिए मैं गट चार्ट लिया यहाँ पे और मैं अपनी क्वांटिटी दिखा दी, तो क्वांटिटी दिख गया आपको कि इतना हुआ, लेकिन इतना दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है 38,000 है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कुछ है कि भाई मेरी जो है मैक्स, मेरी जो एवरेज है, मतलब मेरा जो टारगेट है वो टारगेट मान लीजिए 40,000 का है या 50,000 का टारगेट है, तो उसके भी हिसाब से कंपेयरिंग दिखाएगा। तो टारगेट कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए अगर टारगेट कैलकुलेट होके आ रहा है कहीं पे टाइप है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आपका टारगेट फिक्स है। तो यहाँ ऊपर में दिख रहा न्यू मेजर्स, दिख रहा है सर, न्यू मेजर्स में क्लिक करें और यहाँ पे दे दीजिए टारगेट, और टारगेट में मैंने दे दिया यहाँ पे 50,000, राइट। अब इस टारगेट को उठाया और अपने यहाँ टारगेट वैल्यू पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे टारगेट आ गया कि हाँ 50,000 टारगेट है, यहाँ इतना बचा हुआ है। ओके ठीक है, ऐसी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का आप बना के इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अब इसकी फॉर्मेटिंग का, तो फॉर्मेटिंग में कोई खास नहीं है, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने बोला मिनिमम हमारा 5,000 है और मैक्सिमम जो हमारा है वो हमारा 90,000 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आपका तैयार हो जाएगा, राइट सर। डेटा कलर, आप कलर कैसा चाहते हैं वो यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एक कलर है फिल कलर, मतलब कि आपका एक बैकग्राउंड रेड होना, ब्लैक होना चाहिए और ये जो है हमारा रेड होना चाहिए, ठीक है। डेटा कलर, डेटा लेबल चाहिए, हाँ चाहिए, हटा दीजिएगा तो डेटा लेबल हट जाएगा। टारगेट चाहिए, दिखना है ऊपर लिखा हुआ टारगेट 50 के, और इसकी अंदर की फॉर्मेटिंग भी है, जैसे कि आप इसको जैसे ऑटोमेटिक ऑटो है डिस्प्ले यूनिट, तो आपको नन कर दीजिएगा तो पूरा दिखेगा, दिख रहा है ना सर, तो डिस्प्ले यूनिट, ये बाकी समय तो सेम ही होता है, यहाँ भी सेम ही होता है। ये क्या सर, कलेक्ट वैल्यू, ये आपको कितना आया है वो दिखा देगा, टाइटल ऊपर का टाइटल शो करता है, बाकी तो बैकग्राउंड वगैरह है जो कुछ खास है। और अगर आप इसके इस पे जाते हैं तो इसके एनालिटिक्स में भी इसका कुछ नहीं आता। एनालिटिक्स में काफी मतलब विजुलाइजेशंस में है नहीं ऐसा क्यों सर, क्योंकि इस पे एनालिटिक्स हो ही नहीं सकता ना सर, एनालिटिक्स में क्या दिखेगा, तो जो एनालिटिक्स हर चार्ट एनालिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता है ना, जो सपोर्ट करता है उसका है। ओके, अब उसके बाद यहाँ आता है आपके पास कार, जैसे मान लीजिए कि जो टारगेट है मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, तो दो चीजें हैं, आप यहाँ इंसर्ट में आए और टेक्स्ट बॉक्स ले, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, पहले चीज समझे। बट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीजें होगी वो आपका कोई फॉर्मूला वगैरह या आपके डेटा से लिंक नहीं होगा, बात समझे, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा से हो, मेरा मान लीजिए यहाँ पे हमने होम में गए, मुझे टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो मुझे यहाँ शो कर, ठीक है, तो मैं मेजर्स में आऊँगा, मेजर्स में, और यहाँ पे लिख दूंगा टोटल सेल्स क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया और सम के अंदर में अपना क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ कि टोटल अब मुझे कहीं भी टोटल सेल चाहिए होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो सिर्फ मैं इसमें ये रख दूंगा तो सिर्फ छोटा सा एरिया दिखेगा, या फिर टेबल में क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से दिखेगा, वो सही नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकूँ, तो उस केस में हम यहाँ क्या लेते हैं, कार्ड आ लेते हैं, कार्ड को लिया और यहाँ से हम टोटल वैल्यू को डाल दिए, देखा। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं कि डेटा लेबल कैसा होना चाहिए, यूनिट ऑटो है, ऑटो कटा के मैंने नन कर दिया, पूरा दिखेगा, समझे, इसकी कैटेगरी के नाम से कैटेगरी शो होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, वाइट है मैं चाहता हूँ इसका ब्लैक होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, उसके बाद यहाँ पे डेटा कलर में इसको वाइट कर देता हूँ मैं, कैटेगरी का कलर भी वाइट कर देता हूँ, इससे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, अच्छा सर समझे, तो इसके लिए होता है। अब जैसे आप एक वैल्यू, लेकिन आपके पास जैसे कई सारे वैल्यू आ गए,
तो एक मल्टी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी कार्ड में जैसे मल्टी, हाँ क्या बोल रहे हैं, इसी का दूसरा कार्ड मल्टी कार्ड है सर। हाँ मल्टी कार्ड है। तो मल्टी कार्ड में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू देख रहे हैं, जैसे एक से ज़्यादा वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्लिक करना सर एक वैल्यू पर, क्लिक करने से कुछ नहीं होगा सर, बस शो हो रहा है, ठीक है, तो होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम आपको कल समझाएंगे, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें।